दोस्तों आज को आपका भाई लेकर के बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप लोगों के ही डिमांड पर वीडियो ट्रेड लेकर के जो गाइस पहुंच जाए कमाल का होने वाला। सो गाइस आप लोग बहुत दिनों से इस सॉन्ग पर कमेंट कर रहे थे कि सूरज भाई इस सॉन्ग पर वीडियो लेकर के आओ, लेकिन कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का आपका भाई लेकर के तड़कता भड़कता बहुत ही कमाल का भोजपुरी सॉन्ग पर डिस्कशन लेकर के जो गाइस पहुंच जाए कमाल का होने वाला। गाइस कुछ लोग भोजपुरी सॉन्ग सुन करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन 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 गाइस आज की जो वीडियो क्रिएट करने वाले हैं वो गाइस डुअल सॉन्ग पर होने वाला है। एंड गाइस हमने बहुत ही कमाल कमाल के इसमें वोकल्स भी ऐड किए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड गाइस अगर आप लोग को ये सॉन्ग पसंद आता है तो आप लोग को इसी टाइप का अगर आपको वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे हिंदी सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग पर अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को भाई आपका भाई ऐसी इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आ जाएगा और इसी प्रकार के सॉन्ग पर भी वीडियो लेकर के आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड गाइस आज के इस वीडियो में जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो गाइस बहुत ही कमाल कौन ऐसे मैंने बहुत ही कमाल कमाल की फेड भी ऐड किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग प्रीव्यू देखेंगे। एंड गाइस आज की इस प्रीव्यू को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, बेल कॉल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। आशिक ने अपने मासूका के अदा पर फिदा होकर कहा था। की देखी भोजपुरी का हृदय तो कैसा लगा आपको आज का प्रीव्यू स्टेटस जो गाइस डुअल सॉन्ग पर बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग सॉन्ग के साथ आज के इस वीडियो को क्रिएट किया गया था। दोस्तों आप भी अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगा करके इस प्रकार के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन, या आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। एंड गाइस आप एक बार मेरे टेलीग्राम से विजिट कर लीजिएगा, वहां पर मैंने पिन करके रख दिया है। एंड गाइस इसमें जितने मेटल यूज होंगे जैसे सॉन्ग बिटमार्क का पिक्चर XML फाइल सब आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे डाउनलोड कर सीधे इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। गाइस आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप अलाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने एक कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस आपको इस प्रकार से प्लस के बगल में जो प्रोजेक्ट दिख रहा है इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और गाइस यहां पर आपको इस प्रकार से ट्रेंडिंग सॉन्ग बीट मार्क और सेकी फेड इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस आपका जो ट्रेंडिंग सॉन्ग बीट मार्क है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओके। एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो स्टार्टिंग से मैं सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सो गाइस आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। एंड गाइस आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। एंड गाइस नाम पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, तो आप जो भी फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। गाइस अगर आप यहाँ ध्यान रखेंगे अगर मर्जी फोटो आपका जो रहेगा जो भी आपका साइज रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोटो देखने को मिल जाएगा, सिंपली हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे एंड थर्ड पे क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देंगे और नेक्स्ट गाइस बीबीट को इस प्रकार से कट करके बैक कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस बैक करके अपने इफेक्ट में आना है, आपको इस प्रकार से एक सेकी फेड दिया जाता है। सबसे पहले जो पहला इफेक्ट है सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइस कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस बैक करके आपका जो बीट मार्क है सिंपली इसको ओपन कर देना है। एंड गाइस आपका जो ये फोटो दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। एंड गाइस ये आपका ये इफेक्ट इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट बिट पर आना है, फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, सेकंड आप कोई फोटो अटैच कर सकते हो, तो हम इस फोटो को ले लेते हैं, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड गाइस नेक्स्ट बिट को जो बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देंगे। आप गाइस कोई फोटो यूज कर सकते हैं, तो जो हमने इफेक्ट अभी कॉपी किया था सिंपली उसी इफेक्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट बिट पर आना है और गाइस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाएगा, आप जो फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हो। तो मैं गाइस फोटो को ले लेता हूँ, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट गेट बचे भाग को इस प्रकार से हम कट कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पर जो छोटे छोटे बीट दिखाई दे रहे हैं इन तीनों पर आपको फोटो को अटैच करना है। सिंपली गाइस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आप किसी भी फोटो को अटैच कर सकते हैं, तो थर्ड पे क्लिक करके इस प्रकार से हम फोटो को अटैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर गाइस बीट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे जो बीट है इस बीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फोटो को अटैच कर रहे हैं। एंड गाइस नेक्स्ट बीट पर बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। एंड गाइस इस पर जो इफेक्ट आपका कौन सा लगेगा, तो बैक करके हम सेकंड इफेक्ट में आते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो सेकंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली
हम इसको इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे। थर्ड पे क्लिक करें, कॉपी फेड कर लेना है। एंड गाइस बैक करके आपका जो बीट मार्क सिंपली इसको ओपन कर देना होगा। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली फोटो पे क्लिक करके इसी फेड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से तीनों बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटो इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड गाइस ये इफेक्ट इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है। अब गाइस यहाँ पर आप जो भी फोटो आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोटो देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर हम जो फोटो यूज़ करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से गाइस आपका देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा फोटो है। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ एंड थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड गाइस आपका जो नेक्स्ट बीट है, ठीक है, नेक्स्ट बीट पर आपको आना है और यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देना है। एंड गाइस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा तो बैक करके हम सेक इफेक्ट में आते हैं। और गाइस यहाँ पर जो थर्ड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है सिंपली गाइस इसको क्लिक कर लीजिएगा और थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड गाइस बैक करके आपको जो आपका बीट मार्क इसको ओपन कर देना है। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना, जो यहाँ पर लॉन्ग बीट दिखाई दे रहा है सेकेंड बीट के बाद इस प्रकार से थर्ड वाले इफेक्ट को इस प्रकार से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब गाइस ये वाला इस प्रकार से एनिमेशन ये क्रिएट हो जाएगा। फिर आप गाइस स्क्रॉल करना है आपको और आगे जाना है, सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। एंड गाइस मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको जो फोटो लगाना है आप लगा सकते हैं। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नेक्स्ट बच्चे वो बिट को इस प्रकार से कट कर देना है। एंड गाइस इफेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तीन इफेक्ट लगा चुके हैं, तो आपको इफेक्ट में जाना होगा। इस पहला इफेक्ट लगा लिया, दूसरा लगा लिया, तीसरा भी लगा लिया। एंड गाइस जो ये चौथा को इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड गाइस आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना होगा। सो गाइस इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड लॉन्ग बीट के बाद जो आपका ये बीट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वहाँ पर इस इफेक्ट में आपको फोटो चेंज देखने को मिला होगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर बीट पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर फोटो का आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फोटो को ले लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इसको इस प्रकार सेट कर लेना और इस प्रकार से करके इसको सेट कर लेना है। ठीक है, एंड गाइस नेट बीट भी बीट को आप इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है, एंड गाइस इफेक्ट कौन सा लगेगा और कहाँ तक लगेगा तो बैक करके सेग इफेक्ट में आ जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको इस इफेक्ट के बाद जो अपने को ये वाला इफेक्ट बाकी है। ठीक है, तो गाइस हम इसको क्लिक कर लेते हैं और कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पे क्लिक कॉपी इफेक्ट मैंने कर लिया। ठीक है, एंड गाइस बैक करके आपको बीट मार्क पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस हमने पहला इफेक्ट लगा लिया और सेकेंड इफेक्ट लगा लिया, थर्ड इफेक्ट भी लगा लिया और ये चौथा इफेक्ट भी लगा लिया। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और सिंपली गाइस इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब गाइस ये वाला इफेक्ट जो है कहाँ तक लगेगा ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड गाइस यहाँ पर लॉन्ग बीट के बाद यहाँ पर जो आपको इसके पहले दिखाई दे रहा है बीट यहाँ तक आपका लगेगा, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको जो भी फोटो आप लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, थर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट बचे आपको जो बीट है इस प्रकार से कट कर दिया। और गाइस मूव बटन जाने के बाद इसको इस प्रकार से हमने सेट कर दिया है। अब गाइस इस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा तो हम फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इस इफेक्ट को क्लिक करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये गाइस कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। ठीक है, एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर जो आपके एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप अपना फोटो कैसे लगाएंगे सिंपली गाइस स्क्रॉल करके आप बगल में जाना और यहाँ पर आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है सबसे पहले जो ब्लू कलर का मार्क है आपको इस पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक करना है, स्टोर आइकन पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो फोटो आप पोर्ट्रेट साइज में रखे रहे होंगे सॉरी स्टोरी साइज में यानी दोस्तों 9:16 का रेजोल्यूशन में, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देना होगा। ठीक है, ये गाइस कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका ग्रुप दिखाई दे रहा है ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करने लाए और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली गाइस पहले ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कलर पे क्लिक करना है। एंड गाइस स्टॉल आइकन पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। एंड गाइस आपको इस प्रकार से फोटो का जो साइज रहेगा वो रहेगा पोर्ट्रेट साइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोर्ट्रेट साइज इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहे तो गाइस कोई फोटो अटैच कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, कलर पे क्लिक करके जो हमारा नेक्स्ट फोटो है मैं चाहूँ तो इस फोटो को भी लगा सकता हूँ। तो मैं प्लस पे क्लिक करके इस फोटो को इस प्रकार से लगा लिया। गाइस बैक करके इस सेकेंड वाले ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आपको कलर पे क्लिक करने के बाद उसी फोटो को आपको अटैच कर लेना है। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से आपका अटैच हो जाएगा। तो फिर बैक करके हम आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एनिमेशन किट हुआ दिखाई देगा यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। ठीक है, फिर गाइस आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और गाइस यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाइस फोटो का साइज रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:16 का रेजोल्यूशन है। तो आपको 9:16 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको फोटो पर क्लिक करना है, इस प्रकार से 9:16 के अकॉर्डिंग आपको अटैच कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपको गाइस नेक्स्ट बीट पर आना है और गाइस यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ नहीं। ठीक है, इस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा तो आप गाइस आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर सेकंड आप कोई फोटो अटैच कर लेते हैं। तो मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, नेक्स्ट बीट को बच्चे इस प्रकार से कट कर देना है। एंड गाइस इस इफेक्ट के बाद आपको बैक करके सेग इफेक्ट में आ जाना है। गाइस आपको याद होगा आपने ये इफेक्ट लगा लिया, ये भी लगा लिया, एंड गाइस ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया और गाइस ये भी लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है गाइस ये वाला इफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से करेंगे, थर्ड पे क्लिक करके एंड
गाइस बैक करके आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर आपका जो पेपर और रोल वाला जो इफेक्ट था, हम यहाँ पर उसके आगे जाने के बाद जो ये वाला इफेक्ट के बाद आपका फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, थर्ड पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। ये गाइस जो नेम से मैं नए भी क्रिएट किया हूँ, ठीक है। फिर गाइस आपको नेक्स्ट भी पर आना। अब गाइस यहाँ से ले करके आपको यहाँ तक आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार से आपको ऐड करना है गाइस। यहाँ तक जो यदि आपका जिस एनिमेशन पहले जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको ऐड करना। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर हम कोई फोटो लगा लेंगे, थर्ड पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका बीट है इस प्रकार से आपको कट कर देना और उस इफेक्ट को जब भी हम कॉपी किया था सिंपली उसी इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस ये इफेक्ट हमारा कुछ इस प्रकार से ये पेस्ट हो जाता है। फिर गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर गाइस आपका जो बैकग्राउंड उसे इरेज कर लेना होगा, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको फोटो जब आप इरेज कर देंगे सिंपल इस पर क्लिक कर लेंगे और कलर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देना होगा। सो गाइस आपको जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार से रिमूव होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये रिमूव होना चाहिए। तो हम गाइस सिंपल इस पर क्लिक कर लेते हैं और प्लस पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, ठीक है। एंड गाइस सेकेंड में आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसी फोटो को लगा सकते हैं या फिर कोई फोटो चेंज भी कर सकते हैं, कोई फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो गाइस सेकेंड में मैं इस फोटो को ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस थर्ड में मैं यहाँ पर कोई फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं और कर पर क्लिक करना करेंगे और यहाँ पर गाइस हम सेकेंड कोई भी फोटो यहाँ पर अटैच कर ले, जैसे मान लीजिए हम इसको अटैच कर दिए, ठीक है। एंड गाइस इतना आपको कर लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार का आपको एनिमेशन के साथ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही कमाल का एनिमेशन किट हुआ है। फिर गाइस यहाँ पर आपको जो ये आपको लेयर दिखाई दे रहे हैं सिंपली इस लेयर के अंदर आपको फोटो को अटैच करना है। यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है 9 to 16 का रेजोल्यूशन, गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं आपको फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो 9 to 16 का रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपको फोटो को अटैच कर लेना है इसके अंदर। फिर यहाँ पर गाइस जो हमारा फोटो अटैच होगा यहाँ पर हमारा पोर्ट्रेट साइज वाला होगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पर भी आपका पोर्ट्रेट साइज होगा और यहाँ पर भी पोर्ट्रेट साइज ही होगा और गाइस यहाँ पर भी पोर्ट्रेट साइज ही होगा। और गाइस यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सिंपली गाइस यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर गाइस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे आ जाना होगा और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं गाइस फोटो को ले लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड गाइस नेट आपका जो बीट है इस प्रकार से कट करके इसको मिला देना होगा, ठीक है। एंड गाइस मिलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, जब आप यहाँ इस पर इफेक्ट पहले लगा बताते हैं कौन सा लगेगा, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाइएगा और गाइस लास्ट में जो आपका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपका जो बीट मार्क सिंपली इसको ओपन कर देना होगा। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, ठीक है। सो गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर जो हमने ये क्रिएट किया था ग्रुप कुछ इस प्रकार से एनिमेशन क्रिएट किया है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका अटैच होगा, जो कि बहुत ही कमाल लगेगा। गाइस बीच बीच में आपको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक आपको इस प्रकार से अटैच कर लेना है, ठीक है। फिर गाइस अगेन अब जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार से फ्लैश इफेक्ट आपको यहाँ पर अटैच यहाँ पर फ्लैश इफेक्ट अटैच हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई फोटो अटैच कर सकते हो, सिंपली हम प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर हम फोटो पर क्लिक करेंगे, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। नेक्स्ट बीट पर आपको आना इस प्रकार से, एंड गाइस यहाँ पर क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से गाइस, और यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेकेंड आप कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर गाइस कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, हम इस प्रकार से इसको अटैच कर देंगे, थर्ड पर क्लिक करके फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइस आपको फ्लैश इफेक्ट लगेगा, तो फ्लैश इफेक्ट कौन सा लगेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। गाइस बैक करके आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना होगा। एंड गाइस स्टार्टिंग पोजिशन पर आने के बाद जो आपका ये वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली इसी को आप कॉपी कर सकते हैं या फिर कोई भी आप लगा सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और थर्ड पे क्लिक कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, ठीक है। गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आप जो आपका लास्ट वाला आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। गाइस जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से जब नीचे आएंगे तो आपको जो इस प्रकार से एनिमेशन दिखाई दे रहा है बीच में इस एनिमेशन के पहले वाला, ठीक है, इस एनिमेशन पहले वाला जो आपका फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाइस तीनों फोटो पे हमारा यही फ्लैश इफेक्ट लगेगा, जो कि अभी हमने फोटो भी अटैच किया है। तो सिंपली गाइस फोटो पे क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी क्लिक करके इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर भी इसको हम ऐड कर देंगे। सो गाइस ये कुछ इस प्रकार के एनिमेशन साथ ये क्रिएट हो चुका है। सो गाइस उसके आगे जाने के बाद यहाँ पर आपका जो पोर्ट साइज रहेगा फोटो का वो रहेगा पोर्ट्रेट साइज, ठीक है। और गाइस पोर्ट्रेट साइज हो जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है जो भी हमने ये वाला इफेक्ट लगाया था उसी इफेक्ट को यहाँ पर अटैच करना है। सिंपली फोटो प्लस पे क्लिक करना है, एंड गाइस मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको फोटो को अटैच करना है। सिंपली थर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर उसको फिर कप्सर पे क्लिक करके इसको मिला देना है। नेक्स्ट आपका जो बीट है कुछ प्रकार से आपको कट कर देना है। अब गाइस पे इफेक्ट कौन सा लगेगा, जो लास्ट वाला इफेक्ट है वही इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक आप लगा लीजिएगा। एंड गाइस लगा देने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है गाइस। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग बगल में बॉक्स पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर इसको बहुत ही आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।